वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? ग्रोसरीज वगैरह आ रही हैं, मुझे पता है महंगाई बढ़ी हो गई है, लेकिन खैर बेसिकली इस टाइम क्या बकवास करी जा रही हूँ मैं आप लोगों को पता है कि ये जो ड्रामा है ना भाई, इसकी ना अलग ही हाइप बन गई हुई है और बड़ा ही मज़े का ड्रामा जा रहा था, बट अब जो है ना थोड़ा सा सैड हो गया। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच ना फटे फसाद शुरू हो गए हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत ही बड़े। एकदम से प्रोमो में जो है ना मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है, इतनी अग्रेसिवली शर्जीना से बात करता है बेचारी से। हाँ आप चला ले पहले मोटर बाइक। बेसिकली बहुत ओके शर्जीना से जो है उसने बहुत ही ना मतलब गुस्से से बात की है, बड़ी अग्रेसिवली बात की है शर्जीना से, और बेचारी की कंडीशन भी ऐसी नहीं है, उसका ख्याल रखना चाहिए था उसको, लेकिन उससे बड़ी बदतमीज़ी से बात की है। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतनी ज़ोर से बकवास कर सके मुस्तफ़ा, लेकिन अगर हम देखें कि तो बेचारा तंग भी आ गया होगा, क्योंकि शर्जीना जो है ना 24 घंटे उसके सर पर सवार रहती है और निबियों वाली बातें करती है कि मुझे तो ऊपर टच नहीं देते, मुझे तो प्यार नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। अब क्या करें बेचारा, अगर वो जो भी जॉब इसको मिल गई फाइनली इतने दिनों बाद, पहले तो उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया, स्कैम होने के बाद तो ये और ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसके बाद जो है इसको फाइनली इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी अच्छी जॉब मिली, उसके बाद वजूद भी वो जो है कह रही है कि तुम मुझे टेंशन नहीं देते। उसको थोड़ा सा समझना चाहिए शर्जीना को कि अगर वो ये सब जॉब में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर भी रहा है और जॉब को इतना सीरियसली ले भी रहा है, और अगर मुझे थोड़ी देर इग्नोर कर भी रहा है, तो ये मेरे लिए और जो हमारा होने वाला बेबी है उसके लिए ही कर रहा है, क्योंकि ये जो भी जॉब वगैरह है, पैसा होता है ना, जो पैसा बेसिकली वो जो है ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, और इन दोनों की लड़ाई भी इसी टॉपिक पे हुई है। मुस्तफ़ा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि बेसिक सहूलतें जो है वो तो बेचारा लेके आ सके ना दोनों के लिए, कोई अच्छा घर, कोई अच्छी गाड़ी, इस तरह का कुछ सोच रहा है वो बेसिकली। लेकिन इन दोनों की ना पैसे के ऊपर ही लड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो गई है। सो बेसिकली इन दोनों के लिए लड़ाई होती है, और मुस्तफ़ा कहता है कि सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना होता, उसका रहने सहने का भी देखना होता है। तो शर्जीना को ना अजीब सा लगता है और गलत समझ बैठती है उसकी बात की, और कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ऐसे कह दो। कहता है हाँ नहीं चाहिए, गुस्से में, लेकिन ठीक है। लेकिन मुस्तफ़ा को जाहिर सी बात अटैचमेंट है, लेकिन अभी वो नहीं शो करा पा रहा है, क्योंकि वो उस टाइम फुल उसका दिमाग जो है जॉब पे ही लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो है हम लोग देख रहे हैं कि अदील भाई का ना हा 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 ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, इतना मज़े का, ठीक है, कि जी अदील जो है ना उसकी जो वाइफ है रुबाब, जिसको उसने यू नो यूज़ किया और उसके पैसे को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, उसके जितने भी मतलब जो उसने नुकसान पहुंचाया कंपनी को वो सब कुछ पकड़वा लिया है रुबाब ने। फ़िलहाल जो है वो भी कुछ भी जाहिर नहीं कर रही है कि मुझे पता चल गया तुम जो कुछ भी कर रहे हो, बट उसने क्या किया है कि सारे के सारे अकाउंट फ्रीज़ करवा दिए हैं। और इसके बाद जो है अदील को ना थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चलाक तो वो भी कम नहीं है, और उसको जो है ना शक हो जाता है कि खैर रुबाब को पता तो नहीं चल गया कि मैंने जो कुछ भी उसके साथ और उसके यू नो कंपनी के साथ किया है। और जब अदील रिएक्शन दिखाता है ना गुस्से वाला, तो कहते हैं कि आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, आप इतने ज़्यादा गुस्से वाले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो उसको ना टीज सा कर रही होती है, टीज कर रही होती है, मज़े ले रही होती है। उसके बाद जो है ना अदील के पेरेंट्स और ख़ासतौर पर मामा उसको कहती हैं कि तुमने हमें हमारे बुढ़ापे में जो है मतलब घर से बाहर निकलवा दिया, बेघर कर दिया है, ये वो। तो अदील जो है ना बड़ा बदतमीज़ी से आगे से मतलब जवाब देता है और बदतमीज़ी से बात करता है, और अब जाके जो है अदील की जो मामा हैं उनको एहसास होगा शर्जीना और मुस्तफ़ा का कि वो बेचारे कितने अच्छे थे, कितना मेरा ख्याल रखते थे और कितनी इज्जत करते थे, कभी मुड़ के मुझे जवाब नहीं दिया। फ़िलहाल जो है शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच जो है सेपरेशन दिखाएंगे, वो घर छोड़ के चली जाएगी मुस्तफ़ा का, और फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। दैट्स इट, बाय, पहाड़ में जाओ, बाय। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कभी मैं कभी तुम का जो है ना भाई प्रोमो आ चुका है, और जैसे जैसे भाई स्टोरी बढ़ती जा रही है ना, मैं तो और ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही हूँ उस ड्रामे में, और जो प्रोमो है ना ये देख के तो भाई मैं परेशान ही हो गई हूँ, सैड ही हो गई हूँ, क्योंकि स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा टेंस होती जा रही है, सैड होती जा रही है स्टोरी, ठीक है, हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। लेकिन जो एक अच्छी बात हो रही है ना इस वक्त इस ड्रामे में, वो है जी अदील का डाउनफॉल, क्योंकि हम लोगों को पता है कि रुबाब को जो है सब कुछ पता चल गया,
अदील की रियलिटी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो खामोश है, वेट कर रही है ताकि अदील को आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको मज़ा चखा सके और इसके पेरेंट्स को भी मज़ा चखा सके। फ़िलहाल जो है उसने जो है सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं, ठीक है, और सारे के सारे जो है ना किसी न किसी तरह सारे राज उगलवा ले किए किसने किस किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया है। और जब अदील ऐसे हाइपर हो रहा था और यू नो रिएक्ट कर रहा था तो वो कहती कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, ज़रा कंट्रोल रखो, तुम्हें क्या मसला है, क्योंकि वो आपको पता है कि हाइपर क्यों हो रहा है, वो मज़े ले रही है। खैर फ़िलहाल जो है ना हम लोग अदील और शर्जीना मुस्तफ़ा और शर्जीना की जो है ना बात कर लेते हैं कि जी मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच जो है इतनी ज़्यादा दूरियाँ, इतने ज़्यादा फासले आने शुरू हो गए हैं। मुस्तफ़ा जो है वो रियलिटी को देख के चल रहा है, बट शर्जीना जो है वो बेचारी रियलिटी को फेस नहीं कर पा रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग शर्जीना को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि इस तरह की कंडीशन में होता है कि मतलब आपको टेंशन और टाइम चाहिए होता है, तो वो बेचारी यही एक्सपेक्ट कर रही थी मुस्तफ़ा से। बट अब जो है ना मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हुआ है, गेमिंग में लग गया, जो भी गेम डेवलपर हो गया हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपना काम, अपना टाइम, सब कुछ जो है वो गेम डेवलपिंग को दे रहा है, ठीक है। जो भी उसने न्यू जॉब शुरू की है, सारा का सारा टाइम जो है अपनी जॉब को दे रहा है। और शर्जीना जो है ना बेचारी घर पे अकेली होती है, अकेली पड़ी रहती है, और मुस्तफ़ा जो है देर तक आता है, तो उसको ना ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही शर्जीना को कि ये मुझे इनफ अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। तो इन दोनों के बीच जो है ना बहुत ही बड़ी और बहुत ही जो है ना मतलब ख़तरनाक किस्म की जो है लड़ाई होती है, ठीक है। मुस्तफ़ा जो है ना शर्जीना से गुस्से से बात कर रहा होता है कि भाई बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना होता है, उसको पालना भी होता है, उसके रहने सहने का देखना भी होता है, ठीक है। मुस्तफ़ा मतलब ये बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा है शर्जीना को कि ये सब मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए भी कर रहा हूँ जो कि फ्यूचर में आने वाला है। बट शर्जीना बेचारी इस बात को समझ नहीं पा रही है और वो कहती है कि बस ये कह दो कि बच्चा नहीं चाहिए। अगर उसको बच्चा ना चाहिए होता मुस्तफ़ा को, अगर उसको शौक ना होता, तो वो इतना ज़्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट करता जॉब पे? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा है ताकि शर्जीना और इनका जो फ्यूचर में आएगा बेबी, उन दोनों के लिए जो है बेचारा यू नो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है वो तो बेचारा ले आ सके, लेकिन शर्जीना बेचारी अभी जो है मासूम है ज़रा सी और उस बात को नहीं समझ रही। बट फिलहाल जो है ना अदील का डाउनफॉल देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब आगे आगे देखते हैं, सस्पेंस बढ़ता जाएगा। दैट्स इट, बाय।